हेलो गाइज, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी एम के गोल्ड फार्म पे मनीष भाई के साथ। नमस्कार। नमस्कार शादाब, कैसे हैं मनीष भाई? बस बढ़िया है। मनीष भाई, अभी तो अपन अपने फार्म से काफी दूर आ गए हैं। हाँ, वो फार्म से क्या, इधर जंगल में आ गए ना चरने। ये जो है ओरिजिनल जंगल है अजमेर का, जहाँ पे जानवर चरने के लिए आते हैं पहाड़ी पे। आपके पूरे जानवर ऐसे ही चरते हैं भाई? हाँ, पहाड़ियों में ऐसे चरते हैं, बाकी आधे फार्म पे उधर दिखाएंगे अभी आपको। वो चरने के लिए क्यों नहीं भेजे फार्म पे जो है? नहीं, वो सिर्फ उधर चरती है वो। अच्छा, तो चलिए ठीक है। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से बकरे हैं? इसमें टोटल सिरोही है। टोटल ठीक है, इसको जाने दो बकरी को आप। इसके अलावा अपने पास और भी बहुत शानदार बकरियां हैं इसमें। ये सिरोही पार्ट है। ये पार्ट है मतलब अदंत है अभी। हाँ ठीक है। अभी कब तक दांत नहीं करेगी? और ये अभी एक दो महीने में दांत कर लेगी, अभी लगभग 10 महीने की फीमेल है। ओके, अभी खाली है, लोडेड है? अभी खाली है फिलहाल। ठीक है, तो अभी कब जो बच्चे हैं अंडोल, इनका भाव क्या है? इनका भाव है 280 पर केजी। हाँ, 280 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है अपने फार्म पे? ऑर्डर क्वांटिटी 30, कम से कम 30 जानवर लेना पड़ेगा आपको। से नीचे नहीं देते। ठीक है, क्योंकि आप सिंगल में डिलीवरी का बड़ा मसला है। अगर सिंगल से आके कोई लेना चाहे सिंगल, हाँ तो लेके जा सकता है, है ना? सिंगल फार्म पे से आके लेके जा सकता है, वो लेके जा सकता है। ठीक है, जाने दो उसको भी। ये देखो, अब मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल जो ब्राउन है वो भी पकड़ के आप दिखाओ। ये भी बहुत अच्छी है फीमेल। ये भी सिरोही फीमेल है, अभी 5-6 महीने की है। इसका क्या भाव है 5-6 महीने वाली फीमेल्स? ये 280 से 300 के बीच रहेगा इनका। ठीक है। हाँ, ये थोड़ी महंगी बिकती है क्या? हाँ, ये देखो। हाँ, ये पूरा ब्राउन कलर में चॉकलेट ही। हाँ, लेकिन होता ये भी सिरोही है ना? हाँ, सिरोही में दो ही कलर आते हैं ना, रेड और स्पॉटेड दोनों। ठीक है, इसे आमतौर पे लोग बोलते हैं अजमेरा। अजमेरा बोलते हैं वो बाहर वाले लोग, है ना? हमारे इधर सिरोही बोलते हैं। सिरोही है। हाँ ठीक है, आ जाएं आप हमारी भाषा में। अभी मनीष भाई टोटल ये कितने जानवर होंगे जिन्हें अपन शूट कर रहे हैं? 70 प्लस है अभी। 70 से ज्यादा जानवर है। इसको पकड़ो ना आप, आपके आंडुल बकरे को। ब्रीडिंग मेल देखो, आगे ले आओ आप उसको। बस ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी लमसम हाइट है 42 की हाइट है। हाँ। और वजन कितना होगा इसका? वजन है इसका लमसम 90 kg। 90 किलो इसका वजन है। हाँ। बहुत बढ़िया। और दांत कितने लगा लिए इसने? ये भी 4 दांत का है। ये अभी 4 दांत का हो गया है। ठीक है, अगर ये सिंगल में कोई लेगा तो दोगे? हाँ? या बकरियों के साथ ही बेचोगे? नहीं नहीं, सिंगल भी लेगा दे देंगे। कितने का है ये बकरा? वो तोल के हिसाब से है ना। कितना? ये 350 पर केजी। अच्छा, ये बड़े बकरे हैं, 350 रुपए किलो। हाँ, में आप दोगे? ब्रीडिंग मेल 350 रुपए। चलिए ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बिल्कुल साफ 350 रुपए किलो। हाँ, नहीं तो इसी भी कुछ लोग बोल देते कि भाई 250 रुपए किलो में दे रहा हूँ। नहीं, 250 रुपए में किलो में नहीं। लेकिन कोई जब लेने के लिए आएगा तो ये 350 हो जाएगा। 350। खैर बहुत बढ़िया है, ब्रीडिंग मेल है। टोटल कितनी इतनी बकरियों में अकेला है ये क्या? हाँ, ये एक ही है। 70 बकरियों में अकेला है ये। देखो, रेड में चॉकलेट कलर में फीमेल। वाओ, बहुत शानदार फीमेल है। 60 प्लस। ठीक है, डिटेल क्या होंगी? और ये लमसम इसकी हाइट है 36। 36 की हाइट। हाँ। है वजन बकरी में 60 प्लस। वेट है इसका 60 प्लस। बहुत बढ़िया। दांत कितने निकाल लिए होंगे? दांत हो गई 4 दांत है समथिंग। 4 दांत है तो ये भी वही वाला भाव है अपना। हां 280। हां ठीक है, ये गुजरी में है या सिरोही है? ये गुजरी है। गुजरी के अंदर है, चेहरा सफेद आ गया। हाँ। गुजरी का भाव थोड़ा अलग है, सेम ही है अपने गुजरी पास? का 300 रुपए के जी। 300 रुपए किलो। हाँ। और बड़े साइज की फीमेल है ये? बड़े साइज की फीमेल है। बहुत शानदार भाई, ऐसी ऐसी मिलेगी जैसा। ये कितना वजन होगा इस बकरी के अंदर? इसका भी लमसम 60 के समथिंग, 60 के लमसम है। 280 रुपए के भाव से ये भी सेल कर दोगे आप? हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी जितने जानवर खड़े हैं मनीष भाई, अपन एक नजर और देख लेते हैं उधर आकर। ये सारे ही जानवर जो है अभी फॉर सेल के लिए? हाँ फॉर सेल है, सब बेचने के लिए रेडी है। हाँ, ये हमारे इधर कान काटते हैं खूबसूरती के लिए। हाँ भाई, लेकिन वो मेरे समझ से बाहर है भाई खूबसूरती। हाँ, नहीं हमारे इधर काटते हैं। हाँ, आप गांव में काटते हैं, मैंने शायद बहुत से जंगलों में देखा है। हाँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता क्यों काटते हैं भाई, मुझे कहीं से खूबसूरत नहीं लगता वो। नहीं आपको नहीं लगता, लेकिन हमारे इधर जो जंगलों के किसान लग रहा है ना, इनको खूबसूरत लगता है। आपको लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता। ये देखो। जी जी ठीक है, ये सारे को कटा हुआ है करीब करीब। ऐसे बाकी आप देख लो। ठीक है, बिना कान के भी है, बहुत है ऐसे। देखो इसकी कान नहीं है। अच्छा, तो इसका क्यों नहीं काटा आपने? ये मेल है इसलिए। हाँ, बकरे का कान काट दोगे तो बिक्री में दिक्कत आएगी। हाँ। कुर्बानी भी नहीं होगी शायद इसकी। भाई भाई, कुर्बानी नहीं होती है। बराबर है। बाकी देखो आप, ये टोटल दिखा लो। तो अपने पास गवाल भी होंगे मनीष भाई? ये सब बकरियों को चराते हैं? कितने गवाल हैं अपने पास अभी? दो गवाल हैं। हाँ। उनका काम सिर्फ यही है बकरियों को चराना। ये सुबह फार्म से निकाल के इधर जंगल पे लेके आ जाते हैं, शाम को वापस डाल देते हैं। जैसा कि मैंने देखा कुछ लोग अभी वहाँ भी ले गए तो ऊपर पहाड़ के ऊपर बकरियां चर रही हैं। वो चरने जाती है ना जी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो फार्म पे नहीं रखते। अभी क्या है, कैमरे की जितनी कैपेसिटी थी उतना जूम मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी वो बकरियां दिख नहीं रही हैं क्योंकि मच्छर वगैरह रहते हैं, तो उसकी वजह से बाहर निकालना पड़ता है इनको खुले में।
तो ये 12 महीने ही चराते हो आप इस हिसाब से? नहीं नहीं 12 महीने नहीं, ये बारिश के टाइम ही रहता है। बारिश के टाइम, क्योंकि बारिश में क्या मच्छर मक्खी रहती है ना, तो इसकी वजह से फार्म पे इकट्ठे नहीं रहते। ओके, वो थोड़ा सा ग्रीनरी हरियाली है तो वो भी खाने को चारा ज्यादा मिलता होगा। ठीक है भाई, इस टाइम पे रहता है। आप देख लो, देखो पूरा। ठीक है मनीष भाई, अपन ने तो जानवर पूरे देख लिए, चारों तरफ ही जानवर खेले हैं, सब मिक्स है इसमें। इसमें जो बकरियां हैं ना, ये बकरियों की क्वालिटी मुझे भाई बहुत अलग लगी। मैं आमतौर पर शूट करता रहता हूँ सिरोही फीमेल्स, लेकिन ये जो फीमेल्स है ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो बड़ी बड़ी फीमेल है। ये भी लोडेड होगी अभी? हाँ, कितने महीने की? ये लमसम 4 महीने की लोडेड है। एक आध महीने में बच्चा देगी? कितने बच्चे देगी ये? सेम ये दो से तीन बच्चे देती है। हाँ, ये इनकी खासियत है, दो से तीन बच्चा निकालेंगे। वजन वगैरह, इनकी बॉडी लेंथ भी देखो ना आप, दो से तीन बच्चे आराम से, मतलब यही पहचाने की ये प्योर सिरोही है। हाँ, बिल्कुल प्योर सिरोही है। चलिए ठीक है मनीष भाई, जानवर हमने सारे देख लिए, रेट भी आपने बता दी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें रेट बताएं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।